ये जैसे रोहित वेमुला, सेंथिल कुमार, इन सबके साथ हुआ था कलेक्टिव फेलियर ऑफ सोसाइटी, ये वही है, ये पूरा कलेक्टिवली सोसाइटी का फेलियर है। वैसी इतनी कम रिप्रेजेंटेशन है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एससी एसटी की, हम जैसे तैसे पहुंच पाते हैं और फिर जाके हमारी लाइफ ऐसे एंड हो जाती है। इसलिए डरते हैं मनुवादी लोग कि कोई और बिरसा फूले पेरियार अम्बेडकर ना बन पाए। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय मौजूद हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय मौजूद होने का कारण जो है वो ये है कि जो विशाखा जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाई करती थी, कुछ सपने सजाकर आई थी, और आप समझिए कि किस तरीके से जद्दोजहद करके लड़कियां घर से बाहर निकलकर पढ़ाई करने आती हैं, लेकिन किस तरीके से मजबूर कर दिया जाता है, किस तरीके का ये ढांचा है जो उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। अभी हमारे साथ विशाखा के दोस्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ रहा होगा। तो आप विशाखा के दोस्त हैं? जी, मैं पॉलिटिकल साइंस। क्या नाम है आपका? अनिकेत गौतम, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर, सेक्शन बी से, जाकिर हुसैन कॉलेज मॉर्निंग से। क्या कुछ समस्याएं रही कि विशाखा किस दौर से, मतलब किस चीज़ों से गुजर रही थी कि उसको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, जो मैं समझता हूँ ये एक ना, ये जैसे रोहित वेमुला, सेंथिल कुमार, इन सबके साथ हुआ था कलेक्टिव फेलियर ऑफ सोसाइटी, ये वही है, ये पूरा कलेक्टिवली सोसाइटी का फेलियर है। कि कैसे एक बच्चा अपने अंदर ही बात रख पाया, वो आपसे क्यों नहीं बता पाया वो बात, ये मैं समझना पड़ेगा। और क्या बात रही होगी जो कि सुसाइड जैसा इतना बड़ा कदम अपनी ज़िंदगी थाम लेने का उस बच्चे ने किया। तो इसमें काफ़ी सोशल फैक्टर्स हैं जो कि सवाल खड़े करते हैं डीयू एडमिनिस्ट्रेशन पे भी, जैसे कि हमारे कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव से कोई भी नहीं गया कैंपस तक, उस अंतिम संस्कार के लिए उन्हें जाना चाहिए था मॉर्निंग से, किसी न किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को, वो उनमें से भी कोई नहीं गया, ये पहला मुद्दा है। और दूसरा ये कि जैसे कि साइकेट्रिक हेल्प, काउंसलिंग, वो होनी चाहिए, जो कोविड के बाद तो इतनी बढ़ चुकी है आप समझ नहीं पाएंगे, स्टडी का प्रेशर और काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स पर जो, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हम फैमिली या किसी दोस्त को भी नहीं बता पाते, चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, ताकि हम किसी कम से कम साइकेट्रिस्ट को तो बता सकें और काउंसलिंग से हम सुधार सकें। और इकोनॉमिक फेलियर जैसे आप समझते हैं, ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हॉस्टल्स नहीं हैं, फाइनेंशियल एड होना चाहिए वीमेन के लिए, जो स्टूडेंट्स एस सी एस टी से बड़ी मुश्किल से रिप्रेजेंटेशन है उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, एएमयू में और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर भी वो कैसे, जो भी कुछ आ पाते हैं जिनका भी एडमिशन होता है वो अपनी ज़िंदगी ऐसे रोक लेते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, सिस्टमेटिक हो रहा है ये। 2008 में हुआ था सेंथिल कुमार के साथ, वो भी कलेक्टिव फेलियर ऑफ सोसाइटी था, और 2016 में हुआ रोहित वेमुला के साथ 17 जनवरी को, और ये भी विशाखा भी एससी कम्युनिटी से, और ये क्या कहते हैं 2022 19 सितंबर, ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी, हमें कोशिश करनी होगी कोई और विशाखा ना बन पाए, और जो भी पोटेंशियल विशाखा है उसे होने से हम रोक दें, और जो एक मूवमेंट स्टार्ट करें पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हर कैंपस में, हर कॉलेज में, ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर हर बच्चा जो भी उसकी अंदर है वो वहां कन्फेस कर सके और उसे इकोनॉमिक, सोशल और हर तरह की हेल्प की जाए। विशाखा क्या कॉलेज में पढ़ रही थी, तो क्या किसी टीचर द्वारा कोई प्रेशर दिया जा रहा था या उसके साथ कुछ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा था, कुछ ऐसा आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ है कॉलेज प्रशासन की तरफ से? अभी क्या जवाब दिए जा रहे हैं, क्या उसने सुसाइड कहाँ किया था, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। जी, उसके कॉलेज प्रशासन और क्या कहते हैं प्रोफेसर्स और मतलब एजुकेशन से रिलेटेड तो कोई दबाव नहीं था उस पर, जहाँ तक मेरे को मालूम है, जहाँ तक मैं समझता हूँ अकेडमिक तो कोई दबाव नहीं था उस पर, ठीक है। बाकी जो फैक्टर रहा हो उसके मतलब एज अ मैन, मतलब कोई वीमन नहीं बताती किसी को इतना, तो मैं फ्रेंड ही था, तो मेरे भी इतना क्लोज फ्रेंड नहीं हूँ मतलब कि जो मुझे सब बता दें, जो बाकी उसे क्लासमेट्स हैं ये चीज़ें हमें उनसे पूछनी होगी, उनसे जानना होगा जो उसे क्लोज फ्रेंड्स थे, है ना। मैं सेक्शन बी, मेरा सेक्शन अलग था। और दूसरा ये कि मतलब कि ये थर्ड फ्लोर था, बिल्डिंग था जहाँ से वो कूदी है कॉलेज का, हाँ कॉलेज का, शाम को शायद, मैं नहीं था स्टूडेंट पे, लेकिन जैसा मुझे मालूम हुआ है भी, ये शायद गलत भी हो सकता है, 8 बजे करीब समथिंग हुआ है, और मतलब एल लोकनायक हॉस्पिटल वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद भी मतलब कि बड़ा ही काफ़ी ऑकवर्ड सा मतलब कि बिहेवियर है, मतलब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स, हर किसी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ऐसा मुद्दा जो कि हर कैंपस में जिसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए वो उठ ही नहीं रहा है। क्योंकि कॉलेज में हुआ है ये काम, तो कॉलेज प्रशासन पे बहुत सी उंगलियां खड़ी होती हैं, बहुत से सवाल खड़े होते हैं, बहुत से सवाल उठते भी हैं,
क्या कॉलेज प्रशासन ने कोई जवाब दिया कि क्यों ऐसा हुआ या कुछ भी इस तरीके की घटना, इतना बड़ा काम है जी? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कलेक्टिव फेलियर ऑफ सोसाइटी है और कॉलेज प्रिंसिपल जो मॉर्निंग के हैं उनको मतलब कि मैं और मेरे फ्रेंड मतलब कि हम बोल के गए थे बकायदा कॉलेज में, सर आपको या किसी रिप्रेजेंटेटिव को मॉर्निंग में से आना पड़ेगा हॉस्पिटल, उसके अगले दिन जब पोस्टमार्टम और बाकी जो मतलब कि एक्टिविटीज़ थी सर्टेनली वो होनी थी, तो कोई भी नहीं था हम दोस्तों के अलावा हॉस्पिटल में। अपने साइकाइट्रिस्ट की बात की, मेरे जहन में एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या वो कोई मेंटली डिस्टर्ब थी, मेंटली प्रेशर था कुछ फ्रेंड दोस्त के साथ उसका कुछ, क्योंकि लोगों को ये सब सवाल उठाने में कोई मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि लड़की ने अगर ऐसा कदम उठाया तो जल्दी से वो यही जवाब देते हैं कि उसका कोई फ्रेंड दोस्त रहा होगा, लड़का रहा होगा। आपने देखा होगा कितने ही जैसे अभी अभी हमने दामिनी की बात की तो उसके भी दोस्त का फ्रेंड का हाथ और साथ बताया जा रहा था, तो लोगों को सवाल उठाने में देर नहीं लगता। लेकिन मैं ये सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या कुछ उनका पर्सनली ऐसा कुछ इशू था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो जो है वो चुप बैठा हुआ है, कुछ ऐसा इशू था क्या? देखिए, ये लोग तो एजम्पशंस बनाएंगे, उनका काम है बात करने का कि हाँ भाई हिम्मत नहीं होगी इसलिए वो कर लिया होगा, सुसाइड क्या होगा उसमें, और कोई मतलब कि वो उनका काम ही है बात बनाना, वो ये चीज़ नहीं सोच रही कि वो बच्चा आपको बता क्यों नहीं पाया, कुछ तो वजह होगी आपको या किसी स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बता पाया, हमें ये समझना पड़ेगा क्यों मतलब वो डिप्रेशन में गया, वो फैक्टर क्या था। और कॉलेज फाइनेंशियल एड होता, मेडिकल हेल्प होती और इकोनॉमिक हेल्प होती, साइकेटिक हेल्प होती, कम से कम वो साइकेटिक हेल्प को तो कन्फेस करती, उसको तो मालूम होता ना ये, फिर तब मतलब ठीक है होती चीज़ें। और ये जो कहते हैं कि डेथ इज सोसाइटी इज नॉट द सॉल्यूशन, भाई समझ लो एक बार कि वो इंसान किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, कहना तो बहुत सा आने कि सुसाइड कर लिया, लेकिन कम से कम सोचो तो सही। वैसे इतनी कम रिप्रेजेंटेशन है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में SC ST की, हम जैसे तैसे पहुंच पाते हैं और फिर जाके हमारी लाइफ ऐसे एंड हो जाती है, ये नॉट अ जोक यार। जाति बात तो नहीं झेलना पड़ रहा था उन्हें? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कास्ट रिलेटेड नहीं है कुछ भी। तो अच्छा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हमारी जनता भी जानना चाहती है कि बहुत से सवाल छोड़ गई है विशाखा, बहुत से सवाल उठते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और क्या उसके घर की स्थिति कैसी थी, क्या दिल्ली में रहने के लिए हॉस्टल्स प्रोवाइड नहीं थे, आप लोगों ने मदद की जैसा कि आपने बताया? जी, वो जब घर से अलग आई थी तो हम सभी स्टूडेंट्स ने हेल्प की, फंड्स कलेक्ट किए, शायद 4,000 कुछ समथिंग फंड्स थे वो हमने कलेक्ट किए, उसे दिए, वो रही यहाँ पर, काफ़ी हॉस्पिटल्स ले गए, एम्स तक ले गए, हर हॉस्पिटल ले गए उसे, वहाँ भी उससे बात बात की। और मतलब फिर मतलब कि एज अ मतलब कि वीमन की अपनी कंडीशन अच्छे से कन्फेस कर पाती हैं, तो वीमन दोस्तों के साथ थी अपनी यहाँ पर, तो वहाँ उन्हीं से वो उन्हें कन्फेस किया। और बाकी ऐसा जितना मेरे को मालूम था, जितना मैं समझता हूँ, मैं बता चुका हूँ, मतलब कि ऐसा कोई मेरे को मतलब कि इतना क्लू नहीं है कि और कोई चीज़ें उसने इंपॉर्टेंट मेरे को बताई हो, बल्कि इतना है कि परेशान तो थी वो लड़की। हाँ, वो हमें समझना होगा और शायद ऐसा हम कर सकते हैं और हमें बल्कि करना चाहिए कि यार जो चीज़ें फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, सोशल एक्सक्लूजन है, आइसोलेशन वाले, इन फैक्टर्स को इम्प्रूव किया जाए, कोशिश की जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन सवाल पूछे, हमें पूछे चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से, यार ये मुद्दा उठ ही नहीं रहा है, कमाल। अब तक क्या कार्रवाई रही है इसमें? जी, पुलिस से जहाँ तक मेरे ख्याल है, शायद वो मेरा इतना कांटेक्ट हुआ नहीं है उनसे, पोस्टमार्टम जिस दिन हो रहा था तो उसी दिन मेरी बात बात हुई थी उनसे, और सवाल वगैरह पूछे तो मतलब कि आप फ्रेंड हो वगैरह मैंने बताया, बाकी क्या कहते हैं कि सुसाइड नोट में उसने कुछ मेंशन किया है नहीं, सुसाइड नोट लिखा था? हाँ जी, उसमें ऐसा कोई फैक्ट ऐसा कोई फैक्टर मतलब मेंशन किया है नहीं। वो वगैरह यहीं दिल्ली में है अभी? नहीं जी, हरियाणा। बॉडी ले गए हैं? जी जी, सोनीपत के आसपास कोई गिन्नौर गांव है वहाँ। लेकिन अभी हम अपने इन लोगों को क्या हम कुछ देना चाहते हैं, कुछ सूचना बताना चाहते हैं कि मतलब कि जिस तरीके से हम SC ST समाज के जो बच्चे छात्र आते हैं उसके बाद जो, हाँ रामजस कॉलेज था, सॉरी रामजस कॉलेज थे, सचिन नाम था और उनका, हाँ तो उनके साथ भी इस तरीके का हुआ, तो ये SC ST के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जी बेसिकली जो यार जो रामजस कॉलेज में हुआ था सचिन और क्या कहता मन के साथ जय भीम लिखने पे, इन लोगों को मनुवादियों को ब्राह्मणवादी लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि भारत इतने बड़े लोकतंत्र का संविधान रिटन डॉक्यूमेंट लिविंग डॉक्यूमेंट किसी ऐसे इंसान ने लिखा था जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड था, अनटचेबल था, उसने लिखा था
और दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान था। ये लोग चाहते नहीं है, ये चाहते हमें उसी हिंदू ट्रेडिशन में रखा जाए जैसे महात्मा गांधी भी चाहते थे कि हमें उसी ट्रेडिशन में रखा जाए हिंदू धर्म में। पॉलिटिकल साइंस होने का स्टूडेंट हूँ मैं, जानता हूँ सब जी। तो वो चाहते थे कि मतलब एक आर्टिकल है सतीश देशपांडे का लिखा हुआ की टू दी कास्टलेसनेस करके, वो ड्यूमी पढ़ाते हैं सही सेमेस्टर में है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट ईयर में। तो उस आर्टिकल में वो मेंशन करते हैं ईपीडब्ल्यू पर छपाता हुआ आर्टिकल, तो उसमें है कि 1922 में गांधी जी कहते हैं कि शूद्रा शुड बी एज लाइक दे आर इन अ करंटली इन अ सिचुएशन इन अ हिंदू ट्रेडिशन, जैसे हिंदू वर्ण सिस्टम में है जाति व्यवस्था में है वैसे ही उन्हें रहना चाहिए। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें गांधी की तरफ नहीं, हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बच्चे हैं, संविधान हमारे साथ है, इक्वेलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सिखाया है, उनकी रीडिंग्स पढ़नी पड़ेंगी हमें जो 40 वॉल्यूम्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिए हैं। और ये हमें मतलब ये इसलिए डरते हैं मनुवादी लोग कि कोई और बिरसा फूले पेरियार अम्बेडकर ना बन पाए पढ़ा लिख कर, तो ये इनकी कोशिश है कि इनको फिर से उसी गुलामी में रखा जाए जो एट्रोसिटीज लगातार हो रही है जालौर से लेकर, आप थक जाओगे, द दलित वॉइस करके पेज है वो डेली ऐसी इतनी मतलब उनकी पोस्ट है इतनी टेरिबल है आप मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा बंदा, वो डेली है आप थक जाओगे। तो इसलिए आए दिन तो हो ही रहा है खैर दलितों के साथ जिस तरीके से, और अब वो विशाखा भी जो है वो एससी कैटेगरी से पाई गई है, तो अभी क्या कुछ है और क्या कुछ करेंगे अभी आगे? जी हमारा मतलब यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, हमारा मेजर डिमांड सी है कि हॉस्टल सुविधाएं हों और फाइनेंशियल इकोनॉमिक और सोशल एड सबको स्टूडेंट्स को दिए जाए स्पेशली वीमन को, और ये चीज़ ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर ये चीज़ पहचानी जा सके कि बच्चा उस कंडीशन में क्यों पहुंचता है कि वो सुसाइड कर लेता है, उसे वहीं ठीक करा जाए और एक कोर ढूंढा जाए जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है, तो उन चीज़ों को ठीक करा जाए। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ विशाखा के दोस्त अनिकेत थे जिनसे हमने जाना कि क्यों आखिर विशाखा को वो कदम उठाना पड़ा, क्यों आखिर विशाखा को वो रास्ता चुनना पड़ा जो उसे आसान लगा। और ये आप भी सोचिए कि ये रास्ता कोई आसान नहीं है, क्या किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया होगा, क्या उसकी साथ रहा होगा हम नहीं जान सकते, हम सिर्फ इस दुख को बयां ही कर सकते हैं लेकिन उसके दुख के अंदर तक की पीड़ा को हम नहीं जान सकते हैं। आखिर विशाखा को क्यों अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्यों विशाखा को एक नोट लिखना पड़ा, क्यों विशाखा को सुसाइड नोट देना पड़ा, क्यों विशाखा ये लोगों को नहीं बता पाई कि आखिर उसे किस तरीके की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। क्योंकि अभी अनिकेत से हमने जाना कि कैसी परिस्थितियां थी, उसको ला करके यहाँ दिल्ली में ठहराया भी गया क्योंकि हॉस्टल्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, हॉस्टल्स उसको मिल नहीं पाया, और किस तरीके की परिस्थितियों से वो घर से निकलकर यहाँ पढ़ने आई थी, उसके क्या सपने थे लेकिन आज वो सपने उसके साथ ही चले गए हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, विश्वविद्यालय दिल्ली।